हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग व्हाइल लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अवॉइड करिएगा इसको। व्हाइल लूप तो सबसे पहला चीज़ तो इसका हम लोग सिंटैक्स पे ध्यान देंगे, कैसे इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। इसके पहले वाला जो लूप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो फॉर लूप से रिलेटेड था, तो आप उसे पहले ज़रूर देखिएगा, फिर इसे देखेंगे तो और भी इजीली समझ में आएगा आपको। लूप क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये देखिए, पहले व्हाइल लिखिएगा, चुपचाप सीधा ये बना दीजिए आप, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सबसे पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, जो कि हम लोग फॉर लूप में भी करते थे। फॉर लूप में एक ही साथ इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, सॉरी कंडीशन और अपडेशन ऐसे लिख देते थे हम लोग। इसमें उसमें इस व्हाइल लूप में क्या करते हैं हम लोग, ये अलग अलग हो जाता है तीनों। तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, पहला वाला पार्ट जो हम लोग फॉर लूप में लिखते हैं यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पर आ गया कंडीशन। अच्छा, कंडीशन में आप एक कंडीशन भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन देने के लिए हम लोग एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है अपडेशन, आप उसे इधर में दे देंगे। क्लियर? बाकी आपका जावा का जो स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर आएंगे। इसमें जो ब्रैकेट्स हैं ये ऑप्शनल तो नहीं होंगे, आपको अपडेशन देना ही है, और अपडेशन अगर आप देंगे तो साथ में एक स्टेटमेंट आएगा। तो बेसिकली इसमें आप हमेशा ब्रैकेट्स ही देना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझें। जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोला गया कि मुझे अपने नाम को 10 बार डिस्प्ले करना है वाइल लूप के हेल्प से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हमको 10 टाइम्स अपने नेम को डिस्प्ले करना है, तो हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1, फिर मैंने वाइल का कंडीशन दिया वाइल आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, क्योंकि मुझे बोला गया था कि अपने नेम को 10 टाइम्स डिस्प्ले करिए। तो मैंने यहाँ ले लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं अपना नाम नहीं लेकर कोई ऐसे ही रैंडम नेम ले लेता हूँ, सपोज के लिए मैंने ले लिया रोहित। क्लियर? ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ये हो गया आपका कंडीशन, और ये वाला पार्ट देखिए आपका हो गया अपडेशन। फॉर लूप में हम लोग ये तीनों एक साथ लिखते हैं, वाइल में तीनों को मैंने अलग अलग लिखा। क्लियर? अच्छा, ये काम कैसे करेगा, देखिए आई का वैल्यू है 1, पहले आप कंडीशन को चेक करिएगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी आपको इसके अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये एक तरह से सपोज कर सकते हैं आप एक पास की तरह हो गया या कूपन की तरह हो गया। अगर आपके अगर ये सेटिस्फाइड है तभी आप अंदर जाएंगे, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते। ये कंडीशन ट्रू है, ओके, वो नाम डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे रोहित, एक बार डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बहुत बार जो बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं यहीं से सीधा ऊपर चले जाते हैं, आई प्लस प्लस कुछ करते नहीं हैं, सीधा ओ, फिर एक बार रन कराएंगे लूप से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर लूप के अंदर घुस गए, फॉर लूप वाले वीडियो में भी मैंने यही बोला है, अगर आप लूप के ब्लॉक में घुस गए तो आप बाहर नहीं आ सकते, तब तक नहीं आ सकते जब तक ये कंडीशन ट्रू है। क्लियर? तो आई का वैल्यू जब मैंने रोहित डिस्प्ले किया तो आई प्लस प्लस हुआ, आई का वैल्यू हो गया 2, मतलब 1 से क्या हो गया 2 हो गया। फिर हम यहाँ से वापस, मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे और फिर से ये कंडीशन में घुसेंगे और चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस, फिर से यहाँ पे रोहित डिस्प्ले हो जाएगा और अगेन आई प्लस प्लस।
यानी कि आई का वैल्यू जो कि पहले वन था, फिर टू हुआ था, अब क्या बन जाएगा? थ्री। फिर से हम ऊपर जाएंगे, यहां पर कंडीशन में थ्री लेस देन इक्वल्स टू 10, यस, फिर से मेरा रोहित डिस्प्ले हो जाएगा थर्ड टाइम। फिर से आई प्लस प्लस होगा, फोर हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। लास्ट टाइम जब 10वीं बार रोहित डिस्प्ले होगा यहां पर, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 11। फिर यहां से ऊपर जाएंगे, 11 को इससे कंपेयर करेंगे, यहां पर कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। 11 सॉरी ट्रू नहीं है, 11 लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 ये एक्चुअली में फॉल्स हो गया। अब हम लूप से कहाँ आएंगे? सीधा बाहर आएंगे। जैसे लूप से बाहर आएंगे मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इस तरीके से आपको ये काम करता है व्हाइल लूप। तो फटाफट मैं व्हाइल लूप को भी अलग अलग तरीके से समझा देता हूँ। व्हाइल में अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा कंडीशन देना है तो आप बहुत आराम से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए int i इक्वल्स टू है 1 और j इक्वल्स टू है 5, और मैंने व्हाइल लूप में दो कंडीशन एक साथ डाल दिया, i लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 एंड j लेस देन एंड इक्वल्स टू 20। देखिए दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। दो से ज़्यादा कंडीशन भी आप डाल सकते हैं, तीन चार, आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप उसके हिसाब से कंडीशन डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, मतलब आई का वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जे इक्वल्स टू जे प्लस 10। ठीक है, बाकी आप इसका ड्राई रन आप खुद से करिएगा, ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि ये काम कैसे करता है। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं लूप के अंदर, एंड भी लिख सकते हैं आप, और भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो ड्राई रन होता है इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट द आउटपुट निकाला है, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। इस तरह से आप व्हाइल लूप को लिख सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के साथ। चलिए एक और टॉपिक पे फोकस करते हैं व्हाइल से ही रिलेटेड। बहुत बार क्या होता है कि व्हाइल ट्रू इस तरीके से लिखा रहता है, व्हाइल ट्रू। अब ये क्या बोला है भाई व्हाइल ट्रू? तो ये सिंपल है कि आपने कंडीशन के अंदर ट्रू डाल दिया, मतलब आप बोल दिए कि भाई मेरा ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? ये इनफाइनाइट लूप बन गया। आपको इसे अंदर में जाकर कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा कंडीशन डालना होगा जब वो ट्रू होने से ब्रेक हो जाएगा लूप, यानी आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे अगर इसे ब्रेक करना है तो हम बहुत आराम से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1, फिर मैंने लिखा वाइल ट्रू। अब ट्रू दे दिया मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं, कब ट्रू होगा मतलब कब फॉल्स होगा हमें पता नहीं है, बस मैंने ट्रू दे दिया। तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, आई बढ़ रहा है, मेरा यहाँ पे कोई कोड रन कर रहा है, मैंने सिंपली क्या कर दिया कि अगर आई का वैल्यू 100 हो जाएगा तो लूप मेरा क्या हो जाएगा? ब्रेक। और ये होगा क्योंकि मैं वन वन करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो आई 1 से 2 बनेगा, 3 बनेगा, 99 बनेगा, और एक टाइम होगा जब आई का वैल्यू बन जाएगा 100। और जैसे ही आई का वैल्यू 100 बनेगा ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चीज को कहीं बुक में देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाइल नॉट फॉल्स। आपको पता है नॉट फॉल्स का क्या मतलब होता है? नॉट एक ऑपरेटर है, मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो देखिएगा वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉट का काम होता है फॉल्स को ट्रू बनाना, ट्रू को फॉल्स बनाना। तो ये नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? ये एक्चुअली में ये ट्रू है, इसका मतलब होता है ट्रू। नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, बाकी सारी चीज़ें उसी की तरीके से हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से कोई चीज़ देखें बुक्स में या नेट में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे इसी तरीके से समझिएगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये व्हाइल लूप काम करता है। और अगर आपको लूप के अंदर लूप मतलब नेस्टेड लूप को समझना है तो मेरे उन वीडियोस को देखिएगा जिसमें मैंने पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया है। तो पैटर्न्स के वीडियो में बेसिकली लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पैटर्न अच्छा होता है। तो आई होप मुझे
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।